हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि सगे भाई और सगी बहन कहें ऐसा रिश्ता होता है कि जान दे दे जान ले दे, लेकिन ऐसा कुछ लोग नहीं करते। ऐसा नहीं वो दिक्कत आती सामने, फिर बदनामियां होती है, फिर सरकार कई बार कटघरे में आते, लेकिन कुछ बेशर्म लोग उसमें भी तालियां बजवाते और बनाने का काम करते हैं, जो मैं समझता हूँ बहुत ही निंदनीय है। अगर जो घटना घटी है समाज में, तो पूरे समाज, पूरे राज्य, सभी नेताओं का कर्तव्य दायित्व तो बनता है कि आप उसकी प्रदान करें। अगर गलत सरकार कर रहे हैं तो आप खुल करके उसकी आवाज उठाए, ताकि बहन बेटियों की सुरक्षा में सुनिश्चित तौर पर वो सरकार तय करे। और उसका मापदंड ये होना चाहिए कि जान के बदले जान, खून के बदले खून। अब देखिए इस्लामिक कानून में क्या होता है, इस्लामिक कानून अगर हिंदुस्तान में लागू हो जाए तो मैं समझता हूँ ये रेप, मर्डर, चोरी, डकैती आपके होना सब बंद हो मुन्ना जाएगा। लेकिन यहाँ सिस्टम मेरा भ्रष्ट है, का मुन्ना जी ये हमारा सिस्टम। नहीं, देश का कानून, हमारा देश का कानून चल रहा है और बहुत अच्छे से चल रहा है, और जो भी मापदंड है न्याय के, वो हर हर किसी को न्याय मिल रहा है, हर किसी को न्याय मिल रहा है। रूप से आज सुप्रीम समाधान कोर्ट ने निकालना जो होगा, फैसला लिया उससे साबित हो वो गया कि अगर सिलेक्टिव नहीं हुआ हम जा इस एक्ट का सकता है। दुरुपयोग भी करते हैं तो भी इस देश का कानून खड़ा है मुन्ना देश खान की जैसे बेटियों लोग के तो साथ। मुन्ना हमें खान जी इस्लामिक को कानून ये भी पूरा जवाब करते हैं देना मुन्ना जी, चाहिए कि बिल्कुल कानून और थोड़े ये अगर राहुल गांधी को, हर एक जो मीटिंग में राहुल ये आ गांधी सकते हैं को जो आप, आप सांसद कानून दोबारा नहीं मिली है, चाहिए हमें, महिलाओं के लिए आजादी चाहिए हमें, महिलाओं के लिए बंधन नहीं चाहिए। हम अपने देश के कानून से बेहद खुश हैं और हमें अपने देश के कानून पर बेहद भरोसा है। सवाल यह कि कानून हमारा वाकई सत्य है, आपकी बात में सच्चा है, लेकिन सरकार ने कानून को कठपुतली बना मुन्ना जी रखा वही है। बात हुई ना कि आपने देखा वही इस तरीके से इंडियन सरकार इस्लामिक स्टेट बना अर्पण देंगे, करने का काम कर रही है, राखी 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 एक मरीज को, एक आतंकवादी को, राखी राखी एक जिसमें 114 14 मुकदमे लगे हैं। देखिए देखिए मेरी आपत्ति यही है कि ये लोग हर बहाने में अपना जो एजेंडा बताते हैं ना, मुझे चिढ़ मचता है इससे। मैं इसलिए चिढ़ मचता है कि बात मैं भी कह रहा हूं कि बिल्किस मुन्ना बानो के इंसाफ को इंसाफ मुन्ना मिलना जी, चाहिए। मुन्ना जी एक हाँ, सेकेंड कुछ हाँ मुन्ना जी, हाँ आप माफी क्या राखी जी, मुझे एयरपोर्ट जाना, जरा मैं क्षमा चाहता हूँ आज आज के लिए। नहीं ठीक इस्लामिक कानून ठीक है लागू कराने के बाद आपको नहीं नहीं वही मैं वही वही मैं वही बता रहा हूँ। नहीं ये जो मैं दोनों जो जहरी जहर है ना, ये शरिया लागू कराने चाहते हैं और देश में कुछ भारत बटा आज भी पाकिस्तान में शरिया लागू नहीं। उन्होंने गलती कर दी थी, गलती कर दी थी राखी, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इन्होंने बहुत गलत कहा था कि अगर इस्लामिक कानून होता तो बहुत सब कुछ अच्छा होता, चले जाइए इस्लामिक कानून में अपने तो अफगानिस्तान में, नहीं समझ में समझ में आ जाएगा देश में रहकर, नहीं, नहीं देश ये में इनको देखिए मैं बताता हूं इनको रहना है इंग्लैंड में, रोजी के लिए जाना है अमेरिका, यूरोप पसंद है, लेकिन चाहिए शरीयत कानून। जहां है शरीयत कानून चले जाओ, अगर जन्नत है तो। मैं बोलना नहीं चाहता, देखिए जहनी ये जहर है हाँ, जो कि बचपन से इंजेक्ट किया जाता है हाँ, इनके बीच। अभी इन्होंने एक और बात कही, आप लोगों ने शायद गौर नहीं किया होगा, सगी बहन शब्द यूज किया था ना, मतलब हाँ, सगी नहीं है, अगर दूसरी बहन हो ना तो फिर वो खत्म हाँ, वो मारने काटने के बाद बस सगी तक ही है। अरे भाई साहब कहां दुनिया कहां पहुंच गई, किस यही बात पंकज मैं जी बार दोखा जहन्नुम में जी रहे, बार बार इस देश यही मैं बोल रहा हूँ, गजब सोचा है, सही पकड़ लिया की जा रही जहर असली निकल कहां से रहा है। इस्लामिक स्टेट ये सब छोड़ दीजिए, हिंदू हम कहते हैं कि आप इंसानियत के नजरिए से देखिए, यही तो हम क्या कर रहे हैं। देखिए राखी हम क्या कर रहे हैं, हम हिंदू हैं, हमारे लिए इंसान, हमारे लिए बिल्किस बानो के लिए भी मैं उसके लिए बोल रहा था कि बोलना चाहिए, हमारे लिए जैसे राखी है वैसे इज्जत, घर की इज्जत सबकी इज्जत होती है, यादव जी की भी है, भटनागर जी की भी हमारी है, उस हिसाब से मैं बात कर रहा था। इन हर चीज में धर्म लेके आ जाएंगे, मजहब लेके आ जाएंगे, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, मुझे चिढ़ है इससे। अपने फिर इन्हीं के रिएक्शन में देश की बेटियों का सम्मान, देश की बेटियों वही वही तो वही आपके लिए वोट ज्यादा जरूरी वही मैं बोल रहा। खैर मुन्ना जी चले गए, नहीं तो मैं इनको बहुत अच्छे से जवाब देता, क्या बोलूं इनको, अब तो चले गए।